लॉन्ड्रिंग एक्ट में गिरफ्तार आईएएस अधिकारी संजीव हंस को रिमांड पर लेकर ईडी ने पूछताछ शुरू कर दी है। ईडी की टीम ने गुरुवार को ही दिन में करीब 11 बजे पटना के बेउर जेल से संजीव हंस को रिमांड पर लिया और फिर गांधी मैदान स्थित अपने कार्यालय पहुंची। ईडी पहले दिन अधिकारियों ने संजीव हंस से कई तरह के सवाल किए। इस दौरान ईडी की टीम ने संजीव हंस से महंगी गाड़ियों से लेकर जमीन से जुड़े कई सवाल पूछे। वहीं अब शुक्रवार को भी एक बार फिर ईडी की टीम संजीव हंस से नए सवालों की लिस्ट लेकर पूछताछ कर रही है। वहीं इससे पहले ईडी के अधिकारियों ने पूछताछ में अब तक की जांच और छापेमारी के दौरान जब्त किए गए जमीन जायदाद गाड़ियों के अलावा घड़ियों के बारे में भी जानकारी ली। जब्त किए गए कागजातों को संजीव हंस के सामने रखा गया और उनसे उनके बारे में जानकारी मांगी गई। संजीव हंस के पटना स्थित सरकारी आवास से छापेमारी के दौरान जब्त की गई दर्जनों गाड़ियों के बारे में भी सवाल किए गए। संजीव हंस ने घड़ियों के बारे में केवल इतनी भर जानकारी दी कि उन्हें ये सब गिफ्ट में मिली थी। अधिकारियों ने जब उनसे पूछा कि वो बड़े पद पर बैठ एक लोक सेवक अधिकारी हैं, तो बगैर किसी वजह के इतनी महंगी गाड़ियों को गिफ्ट के तौर पर कैसे ले रहे हैं, संजीव हंस ने इस पर कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया। झंझारपुर के पूर्व विधायक गुलाब यादव, उनकी पत्नी अंबिका यादव, पुष्पराज बजाज, शादाब खान, प्रवीण चौधरी, सुनील सिंह से संजीव हंस के संबंधों के बारे में जानकारी इकट्ठी की गई। ईडी ने संजीव हंस से पूछा कि इन लोगों से वो कैसे, कब और कहां मिले थे, इसके साथ उनके किस तरह के संबंध हैं, ये लोग उनके लिए किस किस तरह से काम करते हैं। वहीं ईडी की टीम ने पूछा कि दिल्ली में प्रवीण चौधरी के नाम पर आनंद निकेतन कॉलोनी स्थित बंगला नंबर C35 खरीदने के लिए आय के स्रोत कहां से आए थे। बेनामी संपत्ति को लेकर भी उनसे कई सवाल किए गए। सवाल ये था कि बेनामी संपत्ति खरीदने की वजह क्या रही थी। सूत्रों की माने तो पूछताछ के दौरान आईएएस संजीव हंस ने कई बार सवाल का सीधा जवाब दिया नहीं, वो घुमा घुमा कर जवाब देते रहे। कई बार तो उन्होंने चुप्पी भी साधे रखी। आने वाले दिनों में ईडी इस मामले में गिरफ्तार किए गए दूसरे आरोपियों के साथ संजीव वंश को आमने सामने बिठाकर पूछताछ करेगी। फिलहाल जानकारी में इतना ही। तमाम ऐसी वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें न्यूज स्टेट बिहार झारखंड। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।